नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा सिंह, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबर। कहेंगे किस तरीके का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आप? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम इसलिए कर रहे हैं कि हमने हमारा समर्थन, आजाद उम्मीदवार का समर्थन हमने हाजी असलम शेख साहब को दिया है, क्योंकि आज मालवनी को दिग्गज नेता की जरूरत है। जो असलम शेख के रूप में हमको दिखने में आया, तो हमने आज आखिरी दिन जाके उनको अपने आप से समर्थन दिया। और क्या इस समर्थन के पीछे की क्या वजह है और क्या कुछ आप लोगों के बीच में बातचीत हुई? ये समर्थन की वजह ये थी कि हमारे कोई चाहने वाले, कोई हमारे बुजुर्ग लोग पिछले 3 दिन से हमें बहुत कन्विंस किया आगे कि आजी साहब, पटनी साहब, आप कितना वोट लोगे? आप ले लोगे 10,000 वोट लोगे, उससे ज़्यादा तो आप नहीं ले पाओगे। और आपकी तैयारी अगर 6 महीने पहले की होती तो शायद आप टारगेट अचीव कर पाते, लेकिन आपकी तैयारी फिलहाल 1 महीने की है, आप हर जगह पहुंच नहीं पाए हो, तो आप नहीं लगता है कि आप 10,000 वोट से आगे जाओगे, तो क्यों ना आप हाजी असलम शेख को समर्थन देते हो, वरना वो गिर जाएगा। क्योंकि जो ठाकुर करके जो नया कैंडिडेट है बीजेपी का, उसकी जो विचारधारा है वो हमारे एक आम जनता से मैच नहीं होती है, और उसकी विचारधारा एक अपोजिशन दिशा में जा रही है। उस वजह से उनके 3 दिन की उनकी बड़े जद्दोजहद के बाद हमने ये निर्णय लिया कि हमको ये हमने ये निर्णय लिया कि हमारा समर्थन हाजी असलम शेख को देना चाहिए। जिस तरीके से इस्माइल से इस्माइल खान MIM से आए थे, बवाल हो रहा था कि उन्होंने पैसे लेकर के आए हैं, पैसे के दम पे खरीदे हैं, अब ऐसे में आप शामिल होते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो MIM से जो भी कैंडिडेट था उसका मैं तो कुछ कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि वो उनका इंटरनल ही मामला था, वो किस हिसाब से, हाँ अगर मैं कोई पार्टी से होता तो मैं फिर डू और डाई वाली जंग लड़ता, फिर चाहे जो भी होता, लेकिन मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होने के नाते और हमारा जो वातावरण मालवनी में चल रहा है, हमारे बड़े भाई अफजल शेख, हमारे दोनों समीर भाई, हमारे जितनी भी हमारे कार्यकर्ता और आप हमारे जो लोगों ने जी जान से मेहनत की है, उसके हिसाब से हमारी तैयारी सिर्फ 1 महीने की थी, लेकिन हमारा वातावरण बहुत अच्छा हो गया था, और हमको आगे जाने के लिए सिर्फ ये था कि हम टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे थे, जो 60-65 हज़ार वोट का टारगेट है। अचानक जो कल तक आप असलम शेख के खिलाफ भाषण कर रहे थे और अब अचानक सपोर्ट कर रहे, पब्लिक कितनी सपोर्ट करेगी? जी देखिए, ऐसा है, मैं असलम शेख के खिलाफ भाषण नहीं कर रहा था, मैं विकास के खिलाफ भाषण कर रहा था। असलम शेख के खिलाफ मैंने एक लफ्ज नहीं बोला है, ये कहा है कि विकास मालवनी का नहीं हुआ, लेकिन आज विकास से ज़्यादा हमको हमारे क्षेत्रों को बचाना है, हमारे घरों को बचाना है। जैसा कि बीजेपी की जो यहाँ के कैंडिडेट है, उनका हर वक्त जब जब उनका प्रचार होता है, जब जब वो नेगेटिव मैसेज देते हुए लोगों को कि हम ये कर देंगे, आज भी उनका एक भाषण में उन्होंने मलाड में ये कहा कि अगर मेरे कार्यकर्ता को कुछ कोई भी हाथ लगाया तो मैं मालवनी को आग लगा दूँ। अगर तुम्हारे उसका इससे साबित होती कि उसके दिमाग कितनी बुद्धि उनकी भ्रष्ट है कि अगर आपके कार्यकर्ता को कोई हाथ लगाता है तो आपका ये फर्ज बनता है कि ये कहते तो समझ में आता कि वो वेल एजुकेटेड है और अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनका ये शब्द जो था कि मैं मालवनी को आग लगाऊंगा, ये सोचने पे मजबूर कर रही है कि वो मालवनी को ही क्यों आग लगाएगी। सर, आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे, जो समर्थक आपके साथ थे, जो मतदाता आपके साथ थे, जो आपके लोग हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? आखिरी सवाल। हमारे जितने भी मतदाता है, जितने हमारे कार्यकर्ता है, जितने हमारे साथ दिल से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे उनको बहुत सारे लोगों को हट हुआ है, उनको ये लगा कि पटनी साहब क्यों जाके अपोजिशन में बैठे, लेकिन उनको मैंने समझाया, जो हमारे मलाड़ के कार्यकर्ता है, जो हमारे सोमवारी बाजार के कार्यकर्ता है, उनको बिठा के मैंने सबको समझाने के बाद ये निर्णय लिया कि हमारे को असलम शेख को ही जिताना है, वरना आने वाला दिन हमारे लिए बहुत धोखादायक हो सकता है। और मैं हमारे लोगों से अपील करूंगा कि जो भी वोट है किसी तीसरे को ना देते हुए असलम शेख को।